नमस्कार। लाइफ में इन छह चीजों में अपनी कंसिस्टेंसी कभी मत तोड़ना, अपनी निरंतरता कभी मत तोड़ना। बहुत से लोग कुछ भी काम करते हैं, चाहे अपना लक्ष्य लेते हैं, चाहे घर का काम करते हैं, चाहे कुछ भी छोटा काम करते हैं, चाहे बड़ा काम करते हैं, इन छह चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं रखते, निरंतरता नहीं रखते। उनको हर फील्ड में असफलता मिलती है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, उनको असफलता मिलती है। फिर कहते हैं, यार मेरा काम सक्सेस नहीं हुआ है, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, मैंने वो काम हाथ में लिया लेकिन असफलता मिल गई। क्यों मिल गई? इन छह चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं थी, आपने निरंतरता नहीं रखी, आपने उस काम को रेगुलर नहीं किया, इसीलिए तो आपको असफलता मिल गई। तो आप जब भी कोई काम हाथ में लो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आपकी लाइफ का कोई लक्ष्य हो, बड़ा लक्ष्य हो, तो इन छह चीजों में कभी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। दावा है मेरा आपसे, अगर इनमें आपने कंसिस्टेंसी रखी, निरंतरता रखी, तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं जाएगा, अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी। और वो छह चीजें क्या हैं, ये देखिए। सबसे पहले तो अपने लक्ष्य में कंसिस्टेंसी मत तोड़िए। आपने लक्ष्य लिया है तो रेगुलर उसकी तरफ बढ़ते रहिए। ये नहीं कि यार आज नहीं आ रहा, कल करूंगा यार, कल नहीं परसों करूंगा यार, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। शुरुआत में तो खूब उत्साह, जोश, जुनून और उमंग से काम करते जाते हैं, और जब लक्ष्य के आधे रास्ते में जाते हैं ना, तो उनका जोश, जुनून, उत्साह ठंडा पड़ता जाता है। फिर कहते हैं, हाँ कर लेंगे यार, अभी तो लक्ष्य थोड़ा सा ही बाकी, कर लेंगे। अपनी निरंतरता तोड़ते जाते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ते जाते हैं। और फिर पता ही आपको, कोई भी काम अगर आप रेगुलर करते हो ना, पूरी दुनिया कहती है कोई भी काम आप रेगुलर करते हो तो सक्सेस होता है, रेगुलर नहीं करते हो तो सक्सेस नहीं होता है। तो फिर ऐसी मूर्खता आप क्यों करते हो, अपनी निरंतरता क्यों तोड़ते हो, अपनी कंसिस्टेंसी क्यों तोड़ते हो? तो कोई भी लक्ष्य हाथ में लो ना, तो उसमें निरंतरता कभी मत तोड़ना। सेकंड, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में कभी भी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। बहुत से लोग लक्ष्य तो हाथ में ले लेते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में ध्यान नहीं देते। थोड़ी बहुत कुछ अच्छी बातें सुनते, हाँ यार कल से मैं योग करूंगा, थोड़ा दिन, 10 दिन 15 दिन करते हैं, फिर छूट जाते हैं। हाँ यार मैं अब अच्छी डाइटिंग लूंगा, अपनी हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा, 1-2 महीने खाते हैं, फिर कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। ध्यान रखना, आपकी हेल्थ 1-2 महीने में अच्छी नहीं होगी। अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे रेगुलर, तब जाके आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी और आप अच्छे दिखोगे। रातों रात क्या बॉडी बना लोगे, रातों रात अपने शरीर को अच्छा बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो ध्यान रख लेना, अपनी हेल्थ को अच्छी बनाने में कभी भी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। हमेशा रेगुलर, चाहे कोई सा भी दिन हो, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और रोज योग करना, रोज मेडिटेशन करना, इसमें कभी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। अगर इनमें आपने कंसिस्टेंसी तोड़ लेना और आपने अपने लक्ष्य में कंसिस्टेंसी रखी ना, फिर भी आप सक्सेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप लक्ष्य पाने की दौड़ में दौड़ते जाओगे। अगर आप बीमार हो गए, आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो आप अपना लक्ष्य कैसे पाओगे? नहीं पा पाओगे। लक्ष्य वहां रहेगा और आप दूर से देखते रहोगे, यार मेरा लक्ष्य बहुत दूर है यार, मैं बीमार हो गया, मेरी हेल्थ कमजोर हो गई, अब मैं अपना लक्ष्य कैसे पाऊं? तो इसमें कभी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, अपना हेल्थ को हमेशा अच्छी रखना। कोई भी नई स्किल सीखने में कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। ध्यान रखना, ये दुनिया पल पल बदल रही है, पुराने डर्रे पर मत चलते जाना। दुनिया बदलती है तो क्या आपको नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। तो आप अपने आप को क्यों नहीं बदलते हो? दुनिया के अकॉर्डिंग चलिए ना, पुराने डर्रे पे चलोगे तो पीछे रह जाओगे, सब आपको धक्का देकर पीछे आगे निकल जाएंगे। तो कोई भी नई स्किल्स सीखनी है तो उसमें कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, उसमें रेगुलर निरंतरता रखना और अपना काम करते जाना। आपका लक्ष्य खुद चलकर आपके पास आएगा।
अगर कोई नई चीज सीखने में आपने रेगुलर निरंतर रखी तो, वरना आपका हाँ यार ये चीज मेरे को सीखनी है लेकिन सीखूंगा यार, ये मेरे को नहीं आती, मेरे को सीखनी, मैं सीखूंगा, सब ऐसे ही करते रह जाते और समय गुजरता जाता है, समय उनको पीछे धक्का देता जाता है और वो पीछे रह जाते हैं। फिर कहते हैं अरे यार मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कैसे पूरा नहीं होगा, कैसे पूरा होगा? आपकी इन हरकतों का कारण पूरा नहीं होगा। तो कोई भी नई स्किल सीखने में कंजूसी मत करना, उसमें रेगुलर निरंतरता रखना, मेहनत करने में कभी भी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, ध्यान रख लेना, मेहनत ही आपकी सक्सेस की की है। मेहनत तो आपको रेगुलर करनी होगी चाहे किसी भी फील्ड में। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल का एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। बहुत से लोग तो क्या चाहते हैं, रातों रात मैं फेमस हो जाऊं, रातों रात मुझे सफलता मिल जाए। आजकल तो वो ड्रीम इनेबल चल रहा है और बहुत सारे ऐसे सट्टेबाजी के ऐप चल रहे हैं, बस पैसे लगाते रहते हैं, रात भर सपने देखते रहते हैं, मुझे इतने पैसे मिल जाए। ऐसे ख्वाब आप मत देखना, मेहनत पर भरोसा रखना, मेहनत रेगुलर कर, पढ़ने में कभी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, रोज कुछ न कुछ नई चीज पढ़ते रहना, ध्यान रखना। आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको रोज पढ़ना चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो, कोई भी काम करते हो, आप किसी भी जॉब में हो, लेकिन रोज आपको पढ़ना चाहिए, आधे घंटे से एक घंटे लेकर। आप रोज पढ़ोगे ना तो आप देश दुनिया से अपडेट रहोगे, इस दुनिया में क्या चल रहा है, इस समाज में क्या चल रहा है। आपका दिमाग रोज नई चीजें आपके दिमाग पर अपडेट होती रही। तो पढ़ने में कभी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना।